देश में पिछले चार दिन के दौरान कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए। 12 जुलाई को देश में 31,000 नए मामले मिले तो 13 जुलाई को इनकी संख्या 38,000 पहुंच गई। इसके बाद 14 जुलाई को 41,000 से ज्यादा नए केस सामने आ गए और 15 जुलाई को 41,806 नए पेशेंट्स मिले, जिससे खौफ पसरने लगा है। ओडिशा और मणिपुर में जहां लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, वहीं कर्नाटक ने दिसंबर तक के लिए जिला पंचायत का चुनाव टाल दिया है। टीके की एक खुराक 82% तक कम कर सकती है मृत्यु दर। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि टीके की एक खुराक मृत्यु दर को 82% तक कम कर सकती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दो खुराकें कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान इस महामारी के कारण होने वाली 95% मौतों को रोकने में सफल रही। नए सामान्य की तरह जीवन में शामिल करें मास्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि विश्लेषण से पता चलता है कि हम जैसे ही गतिविधियों को फिर से शुरू करते हैं, मास्क का उपयोग कम होने लगता है। हमें अपने दैनिक जीवन में मास्क के उपयोग को एक नए सामान्य की तरह शामिल करना चाहिए। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।